तो बताएं आपको, अखिलेश यादव 9 मई को कानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, डिंपल यादव 8 मई को कानपुर में चुनाव प्रचार करने वाली हैं, डिंपल यादव किदवई नगर और गोविंद नगर में रोड शो करेंगी और शिपाल यादव 8 मई को कानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। सतीश महाना के गढ़ में महाराजपुर में विधानसभा में यहां मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव पर है। ब्राह्मण बाहुल्य इलाके पर समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। किदवई नगर गोविंद नगर विधानसभा पर सपा का पूरा फोकस बताया जा रहा है। तो किस तरीके से घेरेबंदी की गई है इसका अंदाजा लगाइए कि यहीं पर शिवपाल यादव, डिंपल यादव मैप बना चुके हैं कि किस तरीके से जनसभा करना है, ब्राह्मण वोटर्स से वोट अपील करनी है, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए मजबूत दावे पेश करने हैं। ये तमाम चीजों को ध्यान में रख करके ये जनसभा लगाई गई है, तैयारी की जा रही है। तारीख आपको बताएं, 8 मई को चुनाव प्रचार के मद्देनजर सतीश महाना के गढ़ महाराजपुर में विधानसभा में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव की। ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, यहां पर समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। कानपुर में किदवई नगर और गोविंद नगर विधानसभा पर सपा का पूरा फोकस बताया जा रहा है। तो कानपुर के रण में ताल ठोकने की तैयारी है। 9 मई को डिंपल यादव तो 8 मई को शिवपाल सिंह यादव प्रचार करने वाले हैं। कहां पर सबसे पहले जाएंगे ये भी हम आपको बताते चले। तो कानपुर की लड़ाई जहां फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है प्रमिला पांडे पर, और ऐसे में यहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मजबूती से लड़ाने के लिए डिंपल यादव आती हैं, शिवपाल यादव आएंगे और वहां पर जाएंगे ब्राह्मण बाहुल्य इलाके में, महाराजपुर से शुरुआत करेंगे। 8 और 9 तारीख आ चुकी है, कानपुर पर पूरा फोकस। लखनऊ से खबर है, हाई टेंशन पोल पर युवक के चढ़ने की खबर मिल रही है। राहगीरों ने युवक को देख करके पुलिस को सूचित किया। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, हाई टेंशन पोल है ये, पुलिस युवक को उतारने की कोशिश कर रही है बताया जा रहा है। पीजीआई कोतवाली क्षेत्र वृंदावन इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। ये शख्स इस पोल पर चढ़ा है, बिजली के खंभे पर चढ़ा है और इसे नीचे उतारने की जद्दोजहद बताई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।